चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए एक कप दूध है, ये 10 रुपये के बिस्किट का छोटा पैकेट है, चॉकलेट बिस्किट है, कोई सा भी बिस्किट ले सकते हैं हम। एक केला है, 2 चम्मच कोको पाउडर है, 3 चम्मच पिसी हुई चीनी है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। इस सामग्री से हम चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम दूध को, 1 कप दूध है, इसको उबला हुआ दूध हो या घर में रखा हुआ कोई सा भी दूध हो या ताज़ा दूध हो, इसको हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक हम इसको बिस्किट का पीसेस करके और इसका हम ग्राइंड कर लेंगे, इसको पीस लेंगे मिक्सी में। ये हमारा पिसा हुआ बिस्किट हो गया है, इसको हमने पीस लिया मिक्सी में। अब हम इस दूध में ये चीनी है, चीनी डाल देंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा धीरे रखेंगे। कोको पाउडर, बिस्किट, पानी या दूध डालकर, कुछ भी डालकर इसको हम थोड़ा पेस्ट बना लेंगे, जिससे कि हमारे दूध में आराम से ये घुल जाए। जब हमारा ये गाढ़ा होने लगे तो हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जो हमने दूध घोल लिया है, इसको भी हम इसमें मिला देंगे और थोड़ी देर इसको चलाएंगे। और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर थोड़ा ठंडा कर देंगे इस पेस्ट को। अब हम मिक्सी में 1 केला इसको काट कर इसके पीसेस करके इसको डाल लेंगे और ये चॉकलेट का जो हमने पेस्ट बनाया है दूध और चॉकलेट का, इसको भी हम थोड़ा मिक्सी में एक बार चला लेंगे। इस तरह का पेस्ट तैयार हो गया है। हमने चॉकलेट और बनाना का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम कुछ तो डाल नहीं रहे, तो हमने ये अमूल फ्रेश क्रीम ली है, इसको हम चर्न कर लेंगे और इसको मिला देंगे इसमें। इसके बाद हम ये पेस्ट भी इसमें मिला देंगे।
भी मिलाकर देखिए हमारी ये चॉकलेट आइसक्रीम बनकर तैयार है। इसको हम एयर टाइट कंटेनर में डालकर कम से कम फ्रीज़र में 7-8 घंटे तक जमने के लिए रख देंगे। देखिए हमारी क्रीमी क्रीमी चॉकलेट आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। घर में रखे हुए थोड़े से सामान से हमारी ये आइसक्रीम तैयार हो जाती है। थोड़े से हम ये चोको चिप्स जो मैंने घर में बनाए हैं वो डाल देंगे, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा इसको हिला देंगे। इसके लिए आइस ना आए इसके लिए थोड़ा सा इसको कवर कर देंगे, इसको टच करते हुए, और इसको 7-8 घंटे के लिए फ्रीज में जमने के लिए रख देंगे।